वही रोल अब है। चित्रा जी ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो चीजों को अगर लिखित में डिफाइन कर दिया गया है दोनों के अधिकार क्षेत्र को लेकर, तो इस वजह से राघव चड्ढा जी आप लोगों को दिक्कत होने लगी है। देखिए जब जब चित्रा जी जब 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, तो आज तक की बहस में मैं आया था जनता का और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करने। उस समय आज तक की हेडलाइन थी, मैं आपको बता देता हूं, मुझे याद है, जबानी याद है, उस समय आज तक की हेडलाइन थी दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री केजरीवाल, यानी कि दिल्ली का बॉस LG नहीं मुख्यमंत्री। आज उस फैसले को दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे। आज दो चीजें लिखी है इस कानून में। पहली चीज ये लिखी है कि सरकार का क्या परिभाषा होनी चाहिए, हम उस कानून में लिख रहे हैं, कानून में ये लिख दिया इन लोगों ने कि सरकार की परिभाषा है उपराज्यपाल, ना कि मुख्यमंत्री। और दूसरी चीज लिखी कि कोई भी फैसला मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल ले, उस फैसले पर जब तक उपराज्यपाल की मोहर ना लगे, जब तक उपराज्यपाल उसे सोच समझ के हस्ताक्षर ना करें, तब तक वो फैसला मान्य नहीं होगा। और अगर उपराज्यपाल चाहें तो सरकार के हर फैसले को उलट सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, कमेंट ले लेते हैं। ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, जल्दी से एक कमेंट आपका, वक्त की कमी है इस वजह से। ठीक है बोल लीजिए जल्दी से। क्या योगी आदित्यनाथ जी के कोई भी फैसले पे अगर उत्तर प्रदेश के उपराज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी उपराज्यपाल ने राज्यपाल रोक दे, राज्यपाल तो हाँ बिल्कुल, पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फर्क होता है ना राघव चड्ढा, इस बात को समझना होगा। कानून व्यवस्था को छोड़ के, हाँ कानून व्यवस्था को छोड़ के दिल्ली पूर्ण राज्य है, मुझे मौका दिया जाए। ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। पूर्ण राज्य है, ठीक है, सुन लीजिए चित्रा जी, शिक्षा के विषय पे योगी आदित्यनाथ जी के फैसले को अगर आनंदीबेन पटेल पलट दे और कहे कि योगी सरकार के फैसले को मैं नहीं लागू होने दूंगी, तो क्या ये गुमराह कर रहे हैं यूपी में राज्यपाल की शक्तियों और राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों में फर्क ना राघव चड्ढा जल्दी से। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, ये दिल्ली की जनता का अपमान है, ठीक है, लेकिन चुनकर 5 साल में सरकार तो आती है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में कटौती की जाएगी तो ये सवाल उठेंगे। विजेंद्र जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। संविधान जो है वो सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।